कोलकाता में गुरुवार से दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कोलकाता शहर के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेट्रो सेवा का गुरुवार को उद्घाटन किया और 14 फरवरी से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। कोलकाता ने 20वीं सदी में देश की पहले मेट्रो सेवा शुरू करके इसका इतिहास रचा दिया है। कोलकाता में पहली मेट्रो सेवा 1984 में शुरू हुई थी। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो इस शहर में दूसरी मेट्रो सेवा है। इसके अलावा ये पहली ऐसी मेट्रो सेवा होगी जो अंडर वाटर यानी नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग में चलेगी। ये लाइन कुल 15 किलोमीटर होगी। पहले फेज में फिलहाल 6 किलोमीटर लंबी लाइन की शुरुआत होने जा रही है। ये पूरे देश की यहाँ तक कि दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा होगी, जिसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का किराया मात्र 5 रुपए होगा। इसमें कई तरह की यात्री सुविधाएं भी होंगी। ये किसी भी मेट्रो सेवा की तुलना में सबसे सस्ती मेट्रो सेवा होगी। इसमें प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और डिटेक्शन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मेट्रो रेलवे का कहना है कि जल्दी ही कोलकाता की जनता के लिए ये सेवा बढ़कर 12 किलोमीटर तक हो जाएगी। SPN 9 न्यूज से लता की रिपोर्ट।